ज्ञान दा मंदिर अज जंग दा मैदान बन गया। स्कूल च महिला अध्यापकां दी आपस च झड़प हो गई। मामला फिरोजपुर नहरी विभाग दी कनाल कलोनी च बने सरकारी प्राइमरी स्कूल दा है। जिस समय अध्यापकां च झड़प हुई उस समय स्कूल च बच्चे भी मौजूद सन। जिन्हां नूं ए अध्यापक ज्ञान दा पाठ पढ़ाउंदे ने अज उन्हां दे सामने ए दंगल करदे दिखे। झड़प च दोवें अध्यापक जख्मी हो गए ने अते फिरोजपुर सिविल हस्पताल च दाखल ने। दोवां ने एक दूजे उत्ते दोष लगाए ने। ते अज प्रेयर दा टाइम सीगा भी मैं बच्चियां कोल खड़ी सी ते दोने हस्बैंड मेरे कोलों पूरा मैनू अखां दिखा के ते पूरे एटीट्यूड च निकले ते मैं सिर्फ गुरजीत सिंह सोढी खड़े सी ते उन्हां दी मिसेज भी नाल सी। मैं उन्हां नूं इन्ना पुछया भी तुसीं मैनू अखां क्यों कढ रहे हो ते इन्नी कहन ते ही मैनू दोने जणे चपट पे ते परमजीत कौर ने भी मैनू मारन दी कोशिश की। मैं अपने बचा ली जदों उधरों क्लास वल गई गुरजीत सिंह सोढी ने मेरे वाल पिछों पूरी तरह खिंचे ते मैनू थले फर्श ते जोर दी मारिया। गौरमेंट प्राइमरी सरकारी स्कूल कनाल कलोनी विच ते सैकेंड ते थर्ड क्लास नूं तकरीबन चार जां साढ़े चार साल तो पढ़ा रही हाँ। तो अज प्रेयर दा टाइम सीगा भी मैं बच्चियां कोल खड़ी सी ते दोने हस्बैंड मेरे कोलों पूरा मैनू अखां दिखा के ते पूरे एटीट्यूड च निकले ते मैं सिर्फ गुरजीत सिंह सोढी खड़े सी ते उन्हां दी मिसेज भी नाल सी। मैं उन्होंने इन्ना पुछया भी तुसीं मैनू अखां क्यों कढ रहे हो ते इन्नी कहन ते ही मैनू दोने जणे चपट पे ते परमजीत कौर ने भी मैनू मारन दी कोशिश की। मैं अपने बचा ली जदों उधरों क्लास वल गई गुरजीत सिंह सोढी ने मेरे वाल पिछों पूरी तरह खिंचे ते मैनू थले फर्श ते जोर दी मारिया ते उस तो बाद परमजीत कौर मेरे उपर छाती ते बैठी सी। पता नहीं उहदा गोडा मेरी चैसट ते लग्गिया ते भी मेरे बहुत ज़्यादा पेन होई ते दो मिनट बाद जदों मैं बाहर गई ते मेरे एकदम चैसट ते पेन शुरू होई। कुट मार च इन्हां ने मेरे कन्न भी खिंचे। तुसीं देख सकते हो भी मेरे बालियां है नहीं सी जो मैं डेली पाउनी आ वो भी मेरियां बालियां भी नहीं मैनू मिलियां हैगियां। ते मैम ये जिहड़ी लड़ाई दी गल करी पहलां भी कई बार स्कूल विभाग च सर तकरीबन 3 साल हो गए इन्हां दोनों नूं आया नूं। सब तो पहला जसविंदर पाल सीएसटी मैडम सीगे जे तुहानूं कितें मिलन तुसीं उन्हां नूं पुछ सकदे हो। उन्हां नाल भी इन्हां ने बहुत बुरा व्यवहार किया जबकि उन्होंने इत्थे इहदी ज्वाइनिंग च बहुत वधिया हैल्प की आ। सैकेंड रजिंदर सराई भी वलंटियर सी उस दिन मैं छुट्टी ते सी उन्हां नाल भी इन्हां ने मारकुट की आ। ते 3 साल हो गए सर इन्हां दा इशू हुण इह आ वी बच्चों की गिनती घटाई जाए ते राजवीर मैडम जिहड़े उह सरप्लस हो जाए पोस्ट असी दोनों हसबैंड वाइफ इत्थे रहीए ते जिहड़ा सर इन्हां दा हाजरी रजिस्टर है उहदे ते 10 फरलों इन्हां दीआं मैं फोटो खिंच के ऑफिस भी गई हुई ने ते चंडीगढ़ कृष्ण कुमार सर को भी गई हुई ने ते इन्हां दे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। गल है कल जदों मैं स्कूल गई सवेरे मैडम राजवीर कौर है साढ़े उत्थे उन्हें मेरे नाल सवेरे मॉर्निंग असैम्बली की ड्यूटी नूं लैके बहसबाजी शुरू करती। बहसबाजी करते करते उन्हें मेरे नाल धक्का मुक्की भी की। मैं सर दो बहुत उन्हें कल अवॉइड किया उहदी पूरी कोशिश सी कि अज मैं मैडम दे गल पैना। सर अज सवेरे जो असं सवेरे 9 बजे स्कूल पहुँचे तो मैडम ने सानू देखद्या ही बोलना शुरू करता गाली गलोच किया मैनू पिछों आके पकड़ लिया थले ढा लिया बहुत कुटमार की। मेरे स्कूल विच साढ़े स्कूल च आने मैडम की पोस्ट सरप्लस हो गई। सर 15 दिनों तो ना साढ़े एक सरकार की एक पॉलिसी है रैशनलाइजेशन वो मैडम सरप्लस हो रहे हैं। ये मैडम उस दिन की जदों का मैडम का नाम है ना लिस्ट के पूरी हाइपर होई पई सी। यह हर टाइम इस मैडम की यही कोशिश होंगी सी पुलों लंघते जाना टोन मार देनी बिना वजह हर टाइम मतलब इस तरह रहना भी लड़ाई झगड़े लिए तैयार रहना। मामला जो भी है अध्यापकों इस तरह स्कूल च नहीं भेड़ना चाहिए क्योंकि बच्चे जिन्हां तो ज्ञान हासिल करदे आए ने जेकर ओही विद्या दे मंदर च इंज भिड़नगे तां बच्चे की ज्ञान हासिल करनगे। फिरोजपुर तो सनी चोपड़ा जगबाणी टीवी।